हाथ हटा लेगा बोलने का ना पीछे यार बैठ हाथ हटा लो कुछ बात लगा तो इसलिए ऐसे बोलता तो मैं कुछ बोलता क्या इधर भाई यार अरे तू ऐसे क्यों किया ओए ऐसा नहीं किया उन्होंने पैर उधर नो किया तो इधर रखा इधर ऐसे किया तो तू उसने क्यों मारा क्यों ऐसा ये देखो भाई ये कैसे सो रहा है ओ भाई भाई तेरा फोन चुरा के ले जाएगा भाई कोई ऐसे सो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में तो गाइज यार आज की जो जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन की जर्नी जो कि जर्नल में हो रही है तो हम जा रहे हैं यार नॉर्थ से कहीं बाहर साउथ जा रहे हैं और साउथ में कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग गेस कर सकते हो तो अभी हम फाइनली ट्रेन में पहुँच चुके हैं और टाइम हो चुका है 5:25 और जो ट्रेन की चलने की टाइमिंग है वो है 5:50 अभी 25 मिनट पड़े हैं तो सीट जो है वो हमें फाइनली मिल चुकी है हमने ऊपर वाली सीट अपनी ले ली है और आराम से सो के जाएंगे अभी आगे की जर्नी आपको दिखाते रहेंगे आप ब्लॉग के साथ जुड़े रहना बाकी आज की गैंग जो मेरे साथ है वो भी आपको दिखा देते हैं इधर रही यार आज की गैंग तो आप इनको जानते होंगे यार आपने पहले भी इनको मेरे ब्लॉगों में देखा होगा तो अभी आपको सीट दिखाते हैं तो इधर रही यार अपनी सीट ऊपर वाली बाकी यार पूरी ट्रेन खाली है तो हाँ जी गाइस यार फाइनली ट्रेन चल चुकी है और टाइम हो चुका है यार 6:30 हैं जो ट्रेन का चलने का टाइम था वो था 5:50 लेकिन ये थोड़ी लेट है तो अभी चली है तो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है तो फाइनली यार ट्रेन चल गई है हाँ जी यार माना ही चलने बड़ी लेट है ट्रेन एक्साइटमेंट है फिर पूरी पूरी तो पूरी है पर रात तक लथ जाएगी थोड़ी ट्रेन में रहते तो यार रात तक सारी एक्साइटमेंट उतर जाएगी तो अभी आपको वैसे ही जर्नी दिखाते रहेंगे बस आप व्लॉग में बने रहना स्किप मत करना व्लॉग को और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है यार कब से रेस्ट कर रहा था अभी थोड़ा सा मतलब शरीर ठीक हुआ है तो मैंने सोचा था वो व्लॉग करते हैं और लुधियाना क्रॉस कर लिया यार ट्रेन की जो स्पीड है वो 130 के आसपास है तो हमारे जो साथ वाले साथी हैं मेरे वो सब घूम रहे हैं भाई ट्रेन में कभी इधर कभी उधर अभी देखो सीट छोड़ के सब गए हैं इधर सीट छोड़ के गया है वो उधर वाली सीट छोड़ के भी नीचे वाली गए ये सब इधर गए हैं तो नहीं यार बाकी जर्नी को यार आपको दिखाते रहेंगे जो भी आज होगा हमारे साथ ट्रेन में क्योंकि जर्नल में आपको पता है यार ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है तो बने रहना यार ब्लॉग में पटे में फैंसी गड़ियां भाई काफ़ी टाइम से बैठे थे और अभी भूख लगनी शुरू हो गई है तो टाइम हो गया अभी खाने का तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं अपना भाई ये लेके आया यार पालक पनीर और साथ में परौंठी और अब ये खाते हैं परौंठे जशन क्या हुआ डब्बा नहीं खुल रहा तेरे से यार तो हाँ जी गाइस इधर आ गया अपना पालक पनीर और इधर रहे परौंठे जशन के परौंठे भी इधर है और साथ में अचार ठंडियाँ हो गया रोटियाँ तो भाई ठंडी तो होगी यार ट्रेन में और तेरे को भाई माइक्रोवेव मिलेगा तो हाँ जी गाइस यार खाना तो अपना फिनिश हो गया खाना कर दिया मोहित ने निकाली यार नैपकिन और नैपकिन आप देख सकते हो क्योंकि इस बाइक की है कैटरिंग तो यार कैटरिंग से लेके आए यार मेरे को ये नैपकिन कम टॉवल ज़्यादा लग रहा है यार देखो आप ही देखो यार भाई क्वालिटी है यार तो हाँ जी भाई यार ट्रेन में बैठ बैठ गए ना जितनी एक्साइटमेंट थी ना सारी ख़त्म हो चुकी है अभी यार अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ अभी आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन निकलना है और कल हम पहुँचेंगे ऑलमोस्ट 6 शाम को तो सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट हाँ जी एक्साइटमेंट तो पहुँचने वाले होंगे उदो होर बढ़ जाएगी भाई फाइनली दिल्ली स्टेशन में पहुंच चुके हैं और दिल्ली स्टेशन में क्या बन रहा आप देख सकते हैं तो हाँ जी गाइस यार जैसे आपको बताया यार दिल्ली आते यार भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इतनी भीड़ हो गई है भाई इतनी ज़्यादा भड़ास है ना यार अपने हमारे कोच में क्या ही बताया अभी हमने सभी फ़ैन ऑन कर दिए ये सभी फ़ैन हमने ऑन कर दिए और ऊपर वाले ने ले ली है यार ऊपर वाली सीट चलो थोड़ी ये कि थोड़ी सी कंफर्टेबल है तो आराम से बैठे रहेंगे और अभी ये है कि अब हम उतर नहीं सकते जब भी हम उतरेंगे तो एक बंदे को ध्यान रखना पड़ेगा हाँ जी ओके भाई आते ही ना हमारी शक्ल ही बदल गई एक साथ क्या कहना चाहोगे भाई भाई दिल्ली आते ही ना ऐसे लग रहा है कि कोई अलग ही शहर में आ गया यार अभी तो दिल्ली है और दिल्ली के बाद जब आएगा ना कोटा राजस्थान क्योंकि मैं तो लास्ट टाइम भी इस ट्रेन में ट्रेवल कर चुका हूँ और जब आएगा कोटा राजस्थान तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी ना उस टाइम पे तो जहाँ पे दो दो लोग बैठे हैं वहाँ पे 6 लोग बैठेंगे और बंदे इतना करते कि बैग तक बैग जो हमने ऊपर रखे ना
बैग नीचे फेंके भाई, वहाँ पे भी लेट जाते हैं, यहाँ पे भी लोग लेट जाते हैं, नीचे भी लोग लेट जाते हैं। अभी आपको आगे दिखाएंगे वो भी जर्नी, आप जुड़े रहो ब्लॉग में। समोसे खा, गूगल पे सब है, गूगल पे ला रहे समोसे जल्दी करना। तो ये भाई इधर समोसे ले लिए मोहित ने और अभी गूगल पे कर रहे हैं। गूगल पे का आई कार्ड लगा है, गूगल पे का आई कार्ड लगा है, चालू कर दा। मैं नहीं खाने यार समोसे, मैं नहीं खाने, मैं भी नहीं खाने। चलो ले जाओ, देखो टेस्ट करके कितना है यार। भाई दिखने दिखने भाई ओ भरावा के मुंह ते ना सुट दी, आलू ही फिल कीते जे भाई, दिखने में तो अच्छे लग नहीं रहे, बाकी ये भाई खा के बताएगा टेढ़ाई होए। तो भाई ट्रेन में सफर कर करके ना यार हालत हो गई है खराब, और अभी आप देख सकते हो यार जशन की भी हालत इधर। तो यार सबको नींद आ रही है, वैसे तो अभी सो लिया था हमने, तो अभी तो यार ऐसे ही बैठे हैं। तो जैसे ही रात होगी तो इस बाइक को भी उतार देंगे, इस बाइक को हमने पहले बोला था थोड़ी देर के लिए बैठ जा भाई, और रात को तो हम ही सोएंगे भाई, दो दो लोगों को सोना पड़ेगा एक सीट पे, एडजस्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि यार आपको पता है बुकिंग तो हमें मिली नहीं, तो अभी जर्नल में आना पड़ा, तो जर्नल में तो यार ऐसा ही होगा। बाकी जब भी कभी नेक्स्ट टाइम कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो यार हर बार पहले से प्लान करेंगे और पहले से ही हर चीज़ की बुकिंग करके घर से निकलेंगे। बाकी चलो हर चीज़ से यार सीख मिलती है, आज सीख मिली है। बाकी आप भी जर्नी को देखते रहना यार, अभी कोटा राजस्थान आने वाला थोड़ी देर में, अभी वैसे दोपहर के बजे 2:30 तो 6 बजे आएगा कोटा, और कोटा में और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, आपको दिखाएंगे यार वहाँ के लोग भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं यार। तो हाँ जी गाइस यार काफ़ी देर से यार पानी की वेट कर रहे थे यार, अभी जाके पानी वाला आया यार 1-1.5 घंटे बाद, और थोड़ी देर रेस्ट करने लगे थे, सोचा था थोड़ी रेस्ट कर लेते और फ़ोन भी चार्ज कर लेते, तो अभी थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लिया। और यार खाने के लिए तो कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है ट्रेन में, तो अभी कोटा राजस्थान पहुँचेंगे कोई 6:50 के आसपास, अभी टाइम हुआ है 5 बजे अभी, तो 6:50 में वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे कुछ खाने के लिए देखेंगे। अभी के लिए तो यार कुरकुरे खा रहे हैं, कुरकुरे मिले हैं, और साथ में रही थी यार कोल्ड ड्रिंक भी यार इनके पास अलग सा ही ब्रांड है यार, कोई इतना अच्छा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी अजीब सा ही था। तो बाकी अभी यार कोटा राजस्थान स्टेशन आएगा, वहाँ पर उतरेंगे, वहाँ से कुछ खाएँगे यार, आपको भी दिखाएँगे। बारबन का बिस्किट खोल लिया, अभी बारबन खा रहे हैं, ये रहा यार इधर बारबन घर से लेके आए थे, यहाँ पे ट्रेन में तो यार अच्छा मिल नहीं रहा है, बाकी अभी खाते हो। हाँ जी गाइस यार हम कोटा राजस्थान पहुँच चुके हैं, और अभी खाने के लिए कुछ ले लिया क्योंकि यार अभी सीधा ट्रेन रुकेगी रात को 10 बजे रतलम स्टेशन पे, तो 10 बजे से पहले कहीं नहीं रुकेगी, और अभी टाइम हो गया 6:45, तो हमने सोचा चलो खाने के लिए कुछ ले लेते हैं। जो भी लिया यार एक भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमें आपको पता अमृतसर पंजाब से, और अमृतसर एक ऐसी गुरु की नगरी है यहाँ पर आप कुछ भी खाओगे ना आपको टेस्टी ही मिलेगा। तो बात करें टेस्ट की तो टेस्ट जश्न बता रहा है 0 है, अभी मैंने तो ट्राई नहीं किया, तो बाकी यार ट्रैवलिंग में ये चीज़ें होती रहती हैं, तो अभी खाते हैं यार आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। हाँ जी भाई क्या हुआ, नहीं टेस्ट भाई बेकार है। तो भाई अमृतसर जैसा टेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं, और आप एक्सपेक्ट भी ना करो ये चीज़ें, अरे थोड़ा टेस्टी भाई हमारे पंजाब के हलवाई थोड़ी लगे यहाँ पे। तो बाकी यार ये रही कुछ, ये है पकौड़े और ये रहा ब्रेड पीस और ये रहा पोहा। तो हाँ जी गाइस यार जैसे आपको दिखाया था यार हम पहले हमने लिए थे यार समोसे पकौड़े, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं निकले थे, और हमारे इस भाई ने यार सारे ऐसे ही फेंक दिए थे। तो वैसे तो यार खाना फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन यार वो बिल्कुल बेकार था, मतलब उसका कोई टेस्ट नहीं था, और मतलब ऐसे लग रहा था कि उसको खा के बंदा बीमार हो जाएगा, तो भाई ने फेंक दिए थे। अभी हमने लिए यार अपना नॉन वेज बिरयानी, तो चिकन बिरयानी ले ली यार, अब वो खाते हैं टेस्ट करते हैं कैसा है। दिखने में तो अच्छी लग रही है क्योंकि यार आपको पता है पेट जो है इसी से भरेगा, बिरयानी होगी रोटी होगी, क्योंकि समोसे पकौड़े से पेट भरने वाला तो है नहीं। तो अभी आपको दिखाते हैं यार, इधर रही यार अपना चिकन बिरयानी। हाँ जी गाइस यार जैसे कि आपको मैंने बताया था ट्रेन में हो गई है भीड़, तो जगह पड़ रही है कम, तो भाई ने अभी यार एक इन्वेंशन किया, देखो हर किसी बंदे ने इन्वेंशन किया, एक बंदे ने बल्ब बनाया था, पहले बल्ब बनाया था उसने, थोड़ी देर बाद चला था, तो ऐसे ही भाई ने कभी काफी देर से जुगाड़ लगा रहा था, जुगाड़ लग गया, अब भाई का काम चल गया। ये देखो भाई आराम से सो गया भाई इसमें, क्या ही मजा है भाई। तो यार ये चीजें हैं यार, जब आपको कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते ही हो, फिर जब जुगाड़ लगाते हो फिर कभी ना कभी बात बनी जाती है। क्या कहना चाहोगे इस जुगाड़ के बारे में, कुछ कहना चाहोगे? इंडिया के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस
यार अभी टाइम हो चुका है 10:50 और हम पहुंच गए हैं यार रतलम स्टेशन से थोड़ा सा आगे और वडोदरा अभी आने वाला है भाई। वडोदरा पहुंचेंगे कोई 1 बजे के बाद। वडोदरा के बाद आएगा सूरत आएगा कोई 3 बजे के आसपास, फिर सुबह पहुँच जाएगी ये अपना पनवेल। तो अभी यार ऑलमोस्ट 10:50 हो गए और सब सो गए हैं, तो हमने सोचा हम भी सो जाते हैं क्योंकि सब लोग सो गए, लाइटें तो बंद हुई नहीं है। तो चलो अभी सोते हैं यार, आपको मिलते हैं सुबह। अभी के लिए यार गुड नाइट। देखो सब लोग सो गए यार। और इधर है जशन चोरा जी को। भाई सो जा अभी यार, सो जा भाई, सो जा भाई, सो जा। तो भाई यार सब लोग सो रहे हैं, हम भी सोते हैं। चलो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग। The next day. So hello guys, good morning. So स्वागत है आपका एक नई सुबह में। तो guys यार टाइम हो चुका है 6:25 और अभी हम पहुंच चुके हैं कसाई रोड जो कि मुंबई पड़ता है, और मुंबई में यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकी है, कसाई रोड के पास सीधा रुकेगी पनवेल। तो हमने सोचा चलो सुबह 6:25 हो गए तो जाके ब्रश करते हैं, लेकिन हालत बहुत ख़राब है यार, यहाँ पे बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदे है, भीड़ बहुत हो रखी है। तो अभी तो ब्रश नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद ही करेंगे, 8-9 बजे करेंगे। अभी जाके लेटते हैं बस, बाथरूम कर लिया हमने, गलते हैं हम दिखाते हैं कुछ क्या सीट चल रहा है अभी। हाँ जी भाई, इतने बढ़िया रेलवे है ना हमारे, बोले भाई क्या ही बोले, क्या ही बोले भाई रेलवे के बारे में। 50 रुपये एयरफोन है, 50 रुपये एयरफोन है, ए कार्ड कवर आएगा, आधार कार्ड कवर आएगा। ये देखो भाई ये कैसे सो रहा है, ओ भाई भाई तेरा फोन चुरा के ले जाएगा भाई कोई। यार सामने कुछ ऐसा व्यूज आ रहा है कुछ। तो हाँ जी गाइस यार, जैसे आपको बताया था हमने सुबह यार भीड़ ज़्यादा होने के कारण हमने ब्रश नहीं किया था। तो अभी टाइम हो गया सुबह के 8:15 और हम ऑलमोस्ट मुंबई क्रॉस कर गए हैं। तो अभी ब्रश कर रहे हैं यार, जशन ने ब्रश कर लिया है, मुंह धो लिया उसने, तो अपना सिर मुंह धो के अभी वो ड्रायर मारने गया है। ड्रायर मार के बाद रेडी हो जाएंगे, फिर रेडी होके फिर हम बनाएंगे कुछ रील्स, क्योंकि कल की कोई भी रील्स नहीं बनाई, सब सिर्फ व्लॉग शूट किया क्योंकि ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और अभी की बात करें तो भाई जर्नल की हालत इतनी ख़राब थी कि हमें भाई स्लीपर वाले वॉशरूम यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो अभी इधर आके इधर ब्रश करने आए हैं, ब्रश करके फिर आपको मिलते हैं उधर ही जाके। तो गाइस यार मुंबई क्रॉस करके क्या ही व्यूज निकल के आ रहे हैं। कल से यार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं कल सुबह से, अभी तक एक भी फोटो नहीं खींची थी, अभी फाइनली हमने पहली फोटो खींच ली इस स्टेशन पे। ये स्टेशन का नाम है जी रोहा। तो ये है कुछ बैकग्राउंड का व्यू यार, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ व्यू है, ये हिल स्टेशन आ गया है। तो ऑलमोस्ट यार हम पहुंचने ही वाले हैं। तो इधर रही जी सब हमारे बंदे जो ये खा रहे हैं जी क्या, वड़ा पाव। वड़ा पाव भाई इसको पाव के अंदर रखो और खा जाओ भाई जशन भाई। अच्छा तो यार मन है नहीं वड़ा पाव खाने का, क्योंकि मेरे को यार इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने लास्ट टाइम भी टेस्ट किया था अच्छा है, लेकिन उतना भाई सबके सब लोग ही बस वड़ा पाव ही खा रहे हैं यार। वड़ा पाव और जिस जब से यार हमने मुंबई क्रॉस किया ना, तो हर बंदा बस वड़ा पाव। तो जब मुंबई से पहले थे तो बस एक ही बात थी, समोसे छोला पूरी बोल रहे थे सब। और अभी यार हमारे पंजाब में पूरी छोले बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे छोला पूरी बोलते हैं। तो पहले वही छोला पूरी और समोसे चल रहे थे, और अभी बस एक ही नाम चल रहा है वड़ा पाव। जब से मुंबई क्रॉस किया है हर बंदा वड़ा पाव। मारा क्यों ऐसे, ऐसे क्यों मारा है उसने, पीछे का हाथ हटाने का बोलने का ना, उसने पीछे ही यार बैठ जाओ, हाथ डालो उस बात का यार। तो इसलिए ऐसे बोलता तो मैं कुछ बोलता क्या इधर बे यार, अरे से ऐसे क्यों किया, ओए ऐसा नहीं किया उसने, पैर उधर नो किया तो इधर रखा, इधर ऐसे किया तो उसने मारा क्यों ऐसे, थल्ले रख लात, हां थल्ले रख लात
तो रखा तो क्या हुआ करके हंस रहे हो इसीलिए मैंने देखा इसलिए हंसना मना हंसना मना लिखा के देखो जाना चाहिए भाई। जब से मुंबई क्रॉस किया है ना भाई अभी तक मेरे हिसाब से कम 7 से 10 टनल आ चुकी हैं और इतनी इतनी बड़ी टनल आ रही है कि भाई ट्रेन उसमें से निकल रही है ना तो ट्रेन 15-15-20-20 मिनट आधा आधा घंटा टनल में ही रह रही है। अभी भी देखो बाहर गुफा आई हुई है गुफा में से ट्रेन निकल रही है भाई। जशन भाई इतनी इतनी बड़ी टनल यार ये इतनी बड़ी टनल है भाई ये गुफा खत्म ही नहीं हो रही यार। 10 मिनट हो गए गुफा में आ रहे हैं भाई 10-10 मिनट हम गुफा में रह रहे हैं यार। गुफा में से जा रही है ट्रेन बहुत बड़ी टनल है क्योंकि ये यार थोड़ा सा हिल स्टेशन एरिया तो सब पहाड़ियों के बीच में से यार गुफा बना के उसमें से रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। ये सब गुफा में से निकल रही है ट्रेन। फाइनली यार टनल ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट 15 मिनट भाई टनल में रहे हम तो अभी यार ये व्यू आ गया और पीछे का ट्रेन दबा के 2 मिनट और हम पहुंच गए यार साउथ के लास्ट स्टेशन जिसका नाम है रत्नागिरी और इसके बाद सीधा यार मड़गांव ही आएगा जो कि गोवा है तो इसके बाद हम पहुंचेंगे मड़गांव। तो मड़गांव पहुंचेंगे 5:10 पे अभी 1 बजा है तो 4 घंटे की जर्नी और बची है। गर्मी के साथ बुरी हालत होगी तो अभी ये लिया यार एक जीरा मसाला तो ये पी रहे हैं थोड़ी सी ठंडक मिली इसके साथ बाकी सिर्फ बहुत दर्द हो रहा है और टाइम ऑलमोस्ट 2:30 बज गए और 4:30 हम पहुँच जाएंगे थिविन स्टेशन। वैसे तो मड़गांव जाना है हमें गोवा जो है वो मड़गांव में पड़ता है लेकिन जो हमारा बीच है वो थिविम के पास है जो हमारा हॉस्टल है तो हम आधे रास्ते में रुक जाएंगे थिविम ही उतर जाएंगे तो थिविम पहुँचेगा 4:30 बजे जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको मिलते हैं। अभी के लिए तो ये गोवा की फेमस मूंगफली भाई बहुत मोटी मूंगफली है जी। गाइस यार हमें मतलब वैसे मैं लास्ट टाइम गोवा आपको पता आया था तो मैं मड़गांव की जगह यार उतर गया था थिविम स्टेशन जो कि मड़गांव से 4 स्टेशन पहले ही पड़ता है तो अभी मड़गांव पहुंचने का टाइम था 5:10 जो कि हो चुका है लेकिन जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा और 45 मिनट डिले है तो अभी मड़गांव की जगह भाई थिविम उतरना है हमें और थिविम 4 स्टेशन पहले ही आता है तो मैंने सोचा चलो थिविम उतर जाएंगे और आराम से 4:30 पहुँच जाएंगे लेकिन 4:30 क्या भाई अभी 5:00 ये देखो पहले 5:03 हो चुके हैं और अभी तक यार थिविम भी नहीं आया। थिविम भी अभी 3 स्टेशन पड़े हैं तो अभी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है अभी मतलब इवन कि फ़ैन तो चल रही है लेकिन यार मतलब एक चीज़ हो जाता है ना ह्यूमिडिटी सी हो जाती है वो चीज़ हुई है यार ट्रेन की मतलब गंदगी के कारण पता नहीं यार 2 दिन से सफ़र कर रहे इसलिए तो हालत बहुत ख़राब है। बस यही सोच रहे कि जल्दी जल्दी यार हमें मतलब थिविम स्टेशन आए हम उतरें और जल्दी जल्दी अपने हॉस्टल जाए और जाके रेस्ट करें क्योंकि आज यार हम रात को पहुंचेंगे हॉस्टल तो आज कोई आज का दिन मेरे को लगता है रेस्ट में ही जाएगा यार रेस्ट करेंगे कल सुबह से यार आपको घुमाएंगे अच्छी तरह से। बाकी अभी के लिए तो यार मतलब यही बता रहा हूँ सबकी हालत ख़राब है भाई। जशन को देख लो एक बार भाई इसको अभी
वैसे डिसिप्लिन खिलाई है लेकिन अभी भी बोल रहे हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बाकी देखते हैं आपको मिलते यार आगे जाके फिल्म स्टेशन पर। तो इधर लिए थे यार नूडल ट्रेन में, तो अभी जशन इधर ट्राई कर रहा है। हाँ जी कैसा टेस्ट है भाई? ठीक है, नॉर्मल टेस्ट है, खास नहीं है। तो भाई आपको पता ही यार हमारे पंजाब जैसा टेस्ट तो मिल नहीं सकता। तो भाई इधर मोहित ट्राई कर रहा है, और एक बात मैं आपको बता दूं मोहित भी यार शेफ है, तो इससे अच्छे नूडल मोहित बना देता है सच में। व्हाई आर यू लाफिंग? व्हाई आर यू लाफिंग ब्रदर? आई एम नॉट लाफिंग, आई एम जस्ट लाफिंग। जो आपने जस्ट लाइक किडिंग, हां समझ रहे हो इसका मतलब? समझ रहे हो? चाउमीन नूडल बहुत टेस्टी है भाई, आधे कच्चे ही हुए। तो भाई मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि यार हमने एक ट्वीट करें यार रेल मंत्री को और इनको अवार्ड दिलाएं यार ऐसी चीज बनाने के लिए यार। तो यार जितने भी आप लोग प्यार करते हैं हमें यार, आप लोग भी ट्वीट करो यार रेल मंत्री को, और इनको यार अवार्ड मिलना चाहिए यार इस चीज के लिए। आप देख सकते हैं यार वही बंदा जो बोल रहा सही नहीं बने, और इधर देखो बस भाई कुछ नहीं छोड़ा इस बंदे ने भाई। मैंने पहले बोला था पेड़ बनने के लिए बेस्ट है भाई, ऑयल देख लो भाई। नहीं दिख रहा यार कुछ भी, कैसे दिखेगा? भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा, मैं नेपाल घूमने गया था, वहाँ पे मैंने नूडल टेस्ट किए थे, और नेपाल की ये डिश है नूडल, आपको पता है नेपाल की डिश है, लेकिन नेपाल वालों के भी इतने अच्छे नहीं जो हमारे पंजाब में मिलते हैं, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि हमारे पंजाब में यार क्या है, लोग ना यार मतलब पैसा कमाते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भी साथ के साथ सोचते हैं कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो किसी का पेट भी भरे और किसी को अच्छा अच्छी चीज़ खिलाएं। तो हमारे उधर यार सब्जियां वगैरह सब कुछ मतलब फ्रेश डालते हैं, सब कुछ अच्छा बनाते हैं, और यार मतलब अब तक मैं जितने भी नूडल खा चुका ना सबसे बकवास नूडल ये है। क्या कर रहे हैं यार? डोली तोड़नी नहीं आपकी, आपको इसलिए इतनी जल्दी पहुँचाया। देखो अपनी कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फाइनली गाइस यार अपना पहुंच चुके हैं इतने मड़गांव ते अपन नहीं पहुंचे, अपन पहला ही एक तीन के स्टेशन पहला उतर के, स्टेशन का नाम है जी वेरना, तो देख सकते आ रहा जी इधर स्टेशन, वो जा रही है डी ट्रेन जिन्हें हूँ फाइनली उतारता, तो अभी तो बहुत दुखी हो गए इस ट्रेन तो, ते आ दूजी ट्रेन क्रॉस करेगी ते फिर आपा क्रॉस करके उधर साइड जाना है, उधर नहीं जाना, देखते हैं स्टेशन किधर है भाई। ते मिंट मिंट चलिए पटरी क्रॉस दा भी तुहानू पता चलाने यार, पटरी क्रॉस कर रहे हैं हम। तो हाँ जी गाइस यार जैसे आपको बताया था यार हम उतरने वाले थे थिविम स्टेशन, और थिविम स्टेशन हम उतर नहीं पाए क्योंकि ट्रेन रुकी नहीं वहाँ पे, रुकती नहीं है वहाँ पे। तो लास्ट ईयर जब मैं आया था तब तो मैं उतर गया था, मैं कह रहा था अभी हम चार लोग थे तो हमसे नहीं उतरा गया क्योंकि उसने ट्रेन थोड़ी तेजी रखी थी वहाँ पे, मतलब थोड़ी धीरे की नहीं उसने। तो अभी का सीन क्या है, जशन बोल रहा है कि अभी जो भी नेक्स्ट स्टेशन आएगा वहाँ पे उतर जाएंगे और वहाँ से बस पकड़ लेंगे, और नेक्स्ट स्टेशन भाई आया वेरना, और हम उतर गए वेरना स्टेशन पे, और अभी जब वेरना स्टेशन उतरे तो वहाँ पे हमें उतर के पता चला है कि ये आउटर है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, और अभी हमें यहाँ से कम 4.5 किलोमीटर चल के जाना है, और वहाँ से हम बस लेंगे मापुसा बस स्टैंड के लिए, और मापुसा बस स्टैंड से फिर अपनी नेक्स्ट बस लेके और फिर जाएंगे अपने हॉस्टल। तो अभी का जा रहे हैं, ये भी चलते जा रहे हैं। तो ये एक रेलवे कॉलोनी है यार, सब रेलवे वाले यहाँ पे रहते हैं, तो ऐसा कुछ सीन है। तो ये अंकल आ रहे पीछे, हो सकता है हमें लिफ्ट मिल ही जाए, तो अगर लिफ्ट मिल जाती है तो बात बन जाएगी, देखते हैं। ये रही यार गोवा आने की निशानी, इधर भाई लिफ्ट की वेट कर रहे हैं हमारे बंदे, लिफ्ट मांग रहे, और ये यार गोवा के जो आपके कोकोनट ट्री। तो गाइस फाइनली हमें लिफ्ट मिल चुकी है, मैडम यहाँ से लोकल है, तो मैंने यार एक बाइक वाले को हाथ दिया था, मैम ने रोक लिया था, तो इन्होंने बिठा लिया। अभी जो रोड है यहाँ से मेन रोड जो है वो 2 किलोमीटर के आसपास है, तो अभी रोड पे जाके बस देखते हैं, और बस देख के आपको मिलते हैं। फाइनली यार मापुसा बस स्टैंड आके हमने टैक्सी मिल चुकी है हॉस्टल की, और अभी टैक्सी लेके हॉस्टल जाते हैं। तो इधर रही यार अपनी गाड़ी, ये रही यार इधर अपनी गाड़ी। तो जो टैक्सी का प्राइस पड़ा है ये पड़ा हमें 600, तो हम चार लोग हैं यार 150 रुपये पर पर्सन पड़ गया है, तो यहाँ से पड़ रहा है 13 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट यार 20 मिनट लगेंगे, तो 600 में पड़ी है, ठीक है यार अभी चलते हैं, और आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।